दोस्तों, गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप और उमस के कारण त्वचा प्रभावित होने लगती है। खास तौर पर यह मौसम ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा खराब साबित हो सकता है यदि वे अपनी त्वचा की देखभाल ठीक से न करें। स्किन रेसेज, मुहासे और ब्लैक हेड्स जैसी सारी स्किन प्रॉब्लम्स इसी मौसम में बढ़ती है। वहीं जिनका फेस ऑयली होता है उनके चेहरे पर हर वक्त चिकनाहट नजर आती है और यह चिकनाहट स्किन पोर्स के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर ऑयली स्किन वालों को इस मौसम में यही हिदायत दी जाती है कि वह अपने चेहरे को साफ रखे और इसके लिए समय समय पर चेहरे को वॉश करते रहे। मगर क्या आपको पता है कि अगर आप बार बार चेहरे पर पानी डालती है या फिर उसे रगड़ते हैं तो त्वचा की ऑयल ग्लैंड्स प्रभावित होती है और चेहरे से और भी ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने लगता है। ऐसे में आपको इस मौसम में सुबह के वक्त त्वचा की उचित देखभाल करनी चाहिए और स्किन केयर रूटीन में इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को जरूर शामिल करें। नंबर 1, फेस क्लींजिंग। दोस्तों, सबसे पहले चेहरे को क्लीन करना जरूरी होता है। दरअसल रात में सोते वक्त स्किन सेल्स तेजी से काम करते हैं और त्वचा अंदर से बेशक डिहाइड्रेट हो जाए मगर त्वचा की ऊपरी परत पर ऑयल इकट्ठा हो जाता है। इसे साफ करना जरूरी होता है, इसलिए आपको सुबह उठने के 10 मिनट के अंदर ही चेहरे को वॉश कर लेना चाहिए। आप इसके लिए ऑयली स्किन पर इस्तेमाल किए जाने वाले फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं तो घर में फिटकरी है तो उसके पानी से भी चेहरे को वॉश कर सकते हैं। फिटकरी का पानी केवल तभी इस्तेमाल करें जब आपकी त्वचा ऑयली हो। वैसे आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड किसी भी अच्छे ब्रांड के फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सफोलिएटिंग। दोस्तों, चेहरे को एक्सफोलिएट जरूर करें। आप चेहरे को फेस वॉश से धोने के तुरंत बाद ही स्क्रब का इस्तेमाल करें। त्वचा पर ऑयल इकट्ठा होने के कारण कई बार डेड स्किन की परत जम जाती है और स्किन में कहीं कहीं पर फ्लेश नजर आने लगती है, मगर स्क्रब से त्वचा को जेंटली रब करने पर यह रिमूव हो जाती है। आप मार्केट से भी ऑयली स्किन के लिए स्क्रब खरीद सकते हैं या फिर घर पर ही एलोवेरा जेल और कॉफी पाउडर को मिक्स करके अपने लिए स्क्रब बना सकते हैं। नंबर 3, टेनिंग। दोस्तों, बाजार में आपको ढेरों प्रकार के टेनर्स मिल जाएंगे, मगर आपको यदि कुछ भी न समझ आए तो आप साधारण गुलाब जल से चेहरे की टेनिंग कर सकते हैं। गुलाब जल में आप 4 से 5 बूंद नींबू का रस मिक्स कर सकते हैं और चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। इससे स्किन पोर्स में छुपा ऑयल अच्छी तरह से निकल जाता है। नंबर 4, फेस मास्क। दोस्तों, चेहरे की स्क्रबिंग और टेनिंग करने के बाद बहुत चेहरे के पोर्स ओपन हो जाते हैं। ऐसे में आपको त्वचा के आधार पर फेस मास्क भी जरूर लगाना चाहिए। यदि आपकी स्किन अत्यधिक ऑयली है तो आपको चावल के पाउडर से फेस मास्क तैयार करना चाहिए। चावल में एंटी एजिंग गुण होता है और त्वचा से निकलने वाले तेल को कंट्रोल करता है। इससे लार्ज स्किन पोर्स की समस्या कम हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।